हो गया। वाह बहुत अच्छा दिख रही है। हमरा जिया धड़के हमरा तन लैला कटन गई सत्यानाश हो गया। प्रकाश जी आप और वो भी ऐसे कपड़ा कपड़ा मेरी साड़ी में क्या हुआ था तुम ऐसा क्या देख लिया। ये देख लैला वर्जन 2 हो गई बोलती बात। लैला कहाँ है ये की दादी क्या था या? दैया क्या देखना पड़ा ये दिन भी आएगा सोचा नहीं था। एक श्रेया के दादाजी तो इनके घर में ठीक ठाक थे अब वो भी बिगड़ गए। डोरबेल बजी क्या? डोरबेल हाँ डोरबेल बजी। कौन है? माँ आप यहाँ पे वो सॉरी वो थोड़ा पार्टी कर रहा है। माँ वैसे आपने घूंघट क्यों डाला है? वन सेकेंड हमारी थीम है हम सब अपने वाइफ के कपड़े पहन के आएंगे। ये तो प्रवीण भाई की मम्मी का साड़ी है तो कहीं इसके अंदर श्रेया के पापा वो बाप ही ऐसा है तो बेटे से क्या उम्मीद रखे। सॉरी मेरा नहीं बड़े शौक है साड़ी पहन के पार्टी करने के तेरी कल ऊपर निकल। सॉरी शर्मिला वो शर्म नहीं आती क्या आपको? चलिए अंदर चलिए आजा। कौन है पीछे? वाह 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 बता दो क्या चंपा को? हाँ ये करना में बता दो अगला स्पॉट आ जाओ। अब क्या हुआ छुछुंदरी बोल बोल चुहिरी बोल। हाँ बोलो सुमित्रा आप बोलो। देखो आप कैसे मुझ पर ही है। अरे हटा वा दुपट्टा। ये सब तुम्हारा ही क्या धरा होगा मुझे पता है ना। सॉरी मॉमी वो गलती से मिस्टेक हो गया। चल अंदर आराम से मैंने कपड़ के ऊपर रखी हो वो बड़ी वाली छड़ी। आ जाओ कौन है आगे? शादी होने वाली है तेरी इसलिए छोड़ रहा हूँ। बाप श्रेया की दादाजी उसको बीमारी है। जेनी माय लव आई एम रियली सॉरी वो सुशील भाई का आइडिया था ये सब। पैसे की बात बोलू? यस मुझसे ज्यादा तुम इस ड्रेस में खूबसूरत दिख रहे हो। आखिर में कौन बचा है? आ जाओ बाहर। अभी ये शोर शराबा दामाद जी ये शोभा देता है क्या आपको? सॉरी ससुर जी जाइए। ये किसकी है आहट? ये किसका है साया? शर्मरी आय हाय हाय एकदम देवदास की याद आ गई। अच्छा है सासू माँ घर पे नहीं है अगर होती तो कितना बड़ा तमाशा हो जाता। चिल्ला क्यों आए हो मेरे पास? जाते अपने बेस्ट फ्रेंड के घर अब मैं भी वही करने वाली हूँ। चिल्ला घर का ना गाट का। शीला भाई ले ले अंदर खामा का तमाशा हो जाएगा। चलो अंदर। सॉरी सॉरी ना इधर नहीं जाओगे तुम उधर भी नहीं जाओगे यहीं पे रुकोगे समझ गए? सॉरी शीला माफ कर दू माँ को मत बता। शराबी कहीं के भाभी को कॉल करती हूँ। इतनी बार बोल शर्म नहीं आती। हाँ बोल शीला। हेलो भाभी
मुझे आपसे ये पूछना था, ये शराब कैसे उतारते हैं? हाँ? मैं ये बोल रही थी भाभी, शराब कैसे उतारते हैं? उतारनी है क्या उसकी भी? एक काम कर, जैसे हम कपड़े पानी में भिगो के निचोड़ते हैं, वैसे उसको निचोड़, मैं भी उनको निचोड़ रही हूँ। ओके भाभी, समझ गई मैं। शुक्र मनाओ सासू माँ घर पे नहीं है, मैं तो आज तुम्हारी चटनी बन जाती। हसो मत, इसको बाथरूम में कैसे लेके जाऊं? अब सुनो ना, वो छिपकली थी ना, वो छिपकली बाथरूम में चली गई है। कोई छिपकली नहीं थी, तो मैंने तो तुमको उल्लू बनाया। ये बड़ा याद होता है, अब है छिपकली है बाथरूम में, एक बार देखो तो। सच में छिपकली? हाँ सच में, देखो ना प्लीज। देखता हूँ मैं हूँ। छिपकली कहाँ पे? छिपकली शीला नहीं है यहाँ पे? ये क्या तरीका है, इसे डरा रही हो तुम मुझे, और तुम्हारे आंखों में दिख के मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे इरादे सही नहीं है मेरे लिए। बराबर कहा तुमने, मेरे इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। शीला क्या कर रही हो? शीला सारी साड़ी मेरी गंदी, कभी शर्म नहीं आ रही तुमको? मेरी साड़ी पहन के गए थे। तुमको शर्म नहीं आती? मैं भले लड़का हूं पर ऐसे साड़ी मेरी तुमने पूरी निकाल ली, तुमको थोड़ी सी भी नहीं है क्या शर्म? चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं करने का मेरे आगे। वो थोड़ा सा वो गलती से हो गया, बैचलर पार्टी ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम भी ना। पूरा तुमने मुझे भिगा दिया शीला, ये तरीका होता है? वैसे मुझे पता है तुमने ये मेरे लिए किया ताकि मैं माँ से डांट ना खाऊ, तुम मेरी शराब उतारना चाहती हो ना? वैसे एक बात बोलूं, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था पर मुझे मौका नहीं मिला, आज मिला है तो मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। शीला, शीला मेरी बात, शीला क्या लड़की है? बाहर तो बड़ा जेंटलमैन बनता है, शराबी कहीं का। I am really sorry, शीला। शराबी। Sorry ना यार, देखो मेरा कुछ प्लान नहीं था ये, और ना मैं इसमें शामिल था, पर सुशील भाई का प्लान था। वो रॉकी की शादी हो रही है ना कुछ दिनों बाद, वो सिंगल से डबल हो रहा है, तो शादी हो जाने के बाद वो दुख, मुझे कुछ दुख नहीं है, पर जो होता है शादी हो जाने के बाद कुछ कुछ लोगों को दुख, उसके लिए सुशील भाई बोल रहे थे करते हैं बैचलर पार्टी, वो सुशील भाई का ही प्लान था ये। अगर कल को सुशील भाई बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूदोगे? क्या बात कर रही हो शीला, मैं पागल थोड़ी हूं जो कुएं में कूद जाऊंगा, मुझे मेरी जान प्यारी है, वो तो पार्टी के लिए बोल रहे थे, और पार्टी तो थोड़ा बहुत चलता ही है। वाह 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 वाह, इससे अच्छा तुम कुएं में कूद जाओ, एटलीस्ट वहां पे अगर कूदोगे तो एक झटके में ऊपर का टिकट निकलेगा, पर यहां पे जो थोड़ा 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 करके लोगे ना, उसके बाद जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट होंगे वो इतने खतरनाक होंगे कि कोई देख भी नहीं पाएगा। ओके ओके ओके, मैं आगे से बिल्कुल नहीं पीऊंगा। हर बंदा पीने के बाद यही बोलता है, आगे से नहीं पीऊंगा, और दो दिन बाद। वाह यार, तुम तो मुझसे भी अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, शायद तुम्हें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। व्हाट, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं पीती हूँ? नहीं नहीं शीला। नो 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 नो, तुमने अभी क्या कहा? यू जस्ट सेड तुमको भी एक्सपीरियंस है, इसका क्या अर्थ होता है अभिजीत? इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं भी पीती हूँ? दांत वक्त, सच में तुमसे बात करना ही वेस्ट है, बिकॉज तुम बेकार हो। जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते वो बेकार ही लगती है। उतरी नहीं लगता है तुम्हारी अभी भी? उतर गई है। लगता तो नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए, और आगे से मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, सच में। अच्छा जी, देखते हैं
आपने जो भी कहा है ना वो तो वक्त बताएगा। जरूर बताएगा, वही नहीं बहुत कुछ बताएगा। और मुझे भी कुछ बताना था तुम्हें। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो तुमने मेरी शराब उतारने की कोशिश की और माँ आने से पहले मेरी शराब उतर जाए और मुझे माँ से डांट ना पड़े, इसके लिए तुमने जो प्रयास किए उससे मैं काफी खुश हुआ, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि अगर माँ मुझे उस हालत में देखती तो मेरी तो शामत आ जाती, इसलिए थैंक यू फॉर दैट। वो तो मैं अभी भी जाके बता सकती हूँ तुम्हारी मामी को। बताओ क्या? मेरी प्यारी सासू माँ को अभी बताती हूँ। डोंट वरी, कुछ नहीं बताऊंगी। शक्ल तो देखो कैसे रोतड़ू बच्चे जैसे हो जाती है। अच्छा मुझे एक और बात करनी। घर पे कोई है क्या? सासू माँ आ गई, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। आपका ये जो रेडियो शो है वो कभी बाद में सुनाना मुझे। बाय शराबी।